शेख अरफात के बयानात के लिए IKP शेख अरफात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। और दूसरी चीज जो आपके सामने बयान करना था वो ये कि मुहर्रम और हराम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाही मुहर्रम, यानी रमज़ान के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अफ़ज़ल अगर कोई रोजे है तो वो कौन से रोजे हैं? मुहर्रम और हराम के रोजे हैं। और ये मुहर्रम अल्लाह रब्बुल आलमीन का साल करार, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना करार पाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस में क्या कहा शहरिल्लाहिल मुहर्रम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना मुहर्रम के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आशूरा के रोजे के ताल्लुक से कि आशूरे का रोजा रखना मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि वो गुज़िश्ता साल के गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आशूरे के दिन का रोजा रखा करो और यहूदियों की मुखालिफत में उससे एक दिन पहले का भी रख लिया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था जब उन्होंने देखा कि आशूरा का रोजा यहूदी भी रखते। यहूदी कौन लोग हैं? जो मूसा अलैहि सलाम को सिर्फ मानते हैं, आपको सल्लम को नहीं मानते। और वो लोगों का ऐसा कहना था कि आखिरी नबी अगर आएगा तो किसमें से आएगा? बनी इसराइल में से आएगा। इस वजह से वो आपको सल्लम को नहीं मानते थे। तो आशूरा का रोजा यहूदी लोग भी रखते थे और वो इस वजह से रखते थे क्योंकि उस दिन मूसा अलैहि सलाम को नजात मिली थी फिरौन से। इस वजह से यहूदी भी उस दिन का रोजा रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं इनकी मुखालिफत में एक दिन पहले का भी रोजा रखूंगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम 9 मुहर्रम और हराम का भी रोजा रखें और 10 मुहर्रम और हराम का भी रोजा रखें। इन दो रोजों की बहुत ज्यादा फजीलत है। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुज़िश्ता गुनाहों को भी माफ कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रमजान मुबारक के बाद सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल जो रोजे हैं वो मुहर्रम और हराम के हैं।